तो दोस्तों कोशिश करने वाले अपनी किस्मत बदल सकते हैं, मगर किस्मत के सहारे बैठने वाले कभी भी कोशिश नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, स्टडीज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है October 9, 2018 और डे है ट्यूसडे। और आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल, और आज का सवाल है भक्ति मूवमेंट से रिलेट करते हुए। आपका क्वेश्चन है, शुद्ध आदित्यवाद थ्योरी वाज प्रपाउंडेड बाय, किसने शुद्ध आदित्यवाद की थ्योरी दी थी, जिसे हम लोग प्योरली नॉन डुअलिज्म की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आपके ऑप्शन है ए माधवाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी श्रीकंठाचार्य या डी रामानुजम। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू से, और सबसे पहली न्यूज मिलती है नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हुए। तो इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज कल जीत लिया दो लोगों ने फॉर द ईयर 2018। नाम है विलियम नॉडांस और पॉल रोमर। बात करेंगे कि इन दोनों को नोबल प्राइज किस वजह से मिला, क्या कारण था। तो बेसिकली आप देखोगे दोनों को ही नोबल प्राइज ग्रीन ग्रोथ के लिए मिला है, क्योंकि दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान है। दोनों ने ही ग्रीन ग्रोथ मॉडल हम लोगों के सामने रखे हैं कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको किस तरीके से इकोनॉमी के साथ इवेल्युएट किया जाए, और यहाँ पे उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कंबाइन करके हम लोग किस तरीके से नई नई थ्योरी बना सकते हैं। और इन दोनों थ्योरी को लेकर आए विलियम डी नॉडांस और पॉल एम रोमर। सबसे पहले बात करेंगे विलियम डी नॉडांस के बारे में कि इनकी थ्योरी क्या थी। बेसिकली जो फाइनल थ्योरी के लिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया वो थी ग्रीन टैक्स थ्योरी। बेसिकली अकॉर्डिंग टू दी नॉडांस, उनकी रिसर्च के हिसाब से आज की डेट में जो सबसे एफिशिएंट वे है, जिस वे में जो हम लोग क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे होने से रोक सकते हैं, या जो भी चीज़ हम लोग करना चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उन सबको अगर हम लोग अच्छी तरीके से अचीव करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे कार्बन टैक्स लगाने होंगे, जो कि हमारे देश में भी लग रहे हैं, पूरी दुनिया में भी लग रहे हैं, कोल के ऊपर लग रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी कार्बन टैक्स लगाए जाते हैं। तो उन जब सारी की सारी चीज़ों की थ्योरी यहाँ पे विलियम डी नॉडांस ने दी थी। इन्होंने बताया था कि बाकी सारी कंट्री को भी अब यहाँ पे कार्बन टैक्स लगा देना चाहिए, उससे ही हम लोग यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है उसको थोड़ा सा रोक सकते हैं। साथ ही आप देखोगे इन्होंने और भी बहुत सारी थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि पिछले 100 सालों में जितना रैपिड इंक्रीज देखा गया है ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर, उसमें से मैक्सिमम जो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ह्यूमन एक्टिविटी का है। जो हम लोगों ने यहाँ पे जितना पोल्यूशन फैलाया है उस वजह से जो ग्लोबल राइज है टेम्परेचर का वो होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो वो एक थ्योरी डेवलप कर रहे थे, एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, और इकोनॉमी को अगर हम लोग सुधारने की कोशिश करें तो उससे क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ग्रीन टैक्स या कार्बन टैक्स लगाने की बात हो रही है वो इम्पैक्ट तो इकोनॉमी के ऊपर ही कर रहा है ना, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उस पर्टिकुलर थ्योरी को इन्होंने प्रोपाउंड किया। और इन्होंने कोशिश करी कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका एक इवैल्यूएशन किया जा सके कॉस्ट और बेनिफिट की टर्म में, कि जो क्लाइमेट चेंज होगा उसकी क्या कॉस्ट होंगी, क्या बेनिफिट होंगे अगर हम लोग बहुत बड़े बड़े स्टेप उठाते हैं। तो उस पूरी की पूरी थ्योरी को लेकर आए विलियम डी नॉडांस हम लोगों के सामने। इनके साथ जिनको नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2018 से नवाजा गया है उनका नाम है पॉल एम रोमर। बेसिकली इनका भी कार्य यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन ग्रोथ के ऊपर ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है इनका विलियम डी नॉडांस से। तो जो विलियम डी नॉडांस है उनकी थ्योरी से थोड़ी अलग थ्योरी दी है इन्होंने। इनकी जो थ्योरी है बेसिकली ग्रोथ को हमारे देशों में जिस तरीके से इनोवेशन का एनवायरनमेंट है उसके साथ लिंक कर रही है। बेसिकली आइडियाज ड्रिवन थ्योरी है कि अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी इंटरनल मार्केट प्लेस में करें, अपने देश के अंदर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो उससे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं, सस्टेन्ड डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। तो उनका यह कहना है कि नए आइडियाज यहाँ पे हम लोगों के सामने आए, नए गुड्स और सर्विसेज जो कि नई टेक्नोलॉजीज के साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो जो हमारी गवर्नमेंट है उन पर्टिकुलर चीज़ों में सब्सिडी दे जिससे हमारे देशों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो उस पर्टिकुलर थ्योरी को यहाँ पे आइडियाज ड्रिवन थ्योरी कहते हैं, जो कि दी थी पॉल एम रोमर ने। तो यहाँ पे विलियम डी नॉडांस और पॉल एम रोमर को मिला है यहाँ पे नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स।
साथ ही इन दोनों ने अमेरिका के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातें करी जब इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन्होंने बात बोला है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रही हैं, हम लोग जो क्लाइमेट चेंज को गोल्स वाले जो अचीव करना चाहते हैं उनकी जो थ्योरीज हैं हम लोग उन थ्योरीज से बहुत ही पीछे चल रहे हैं, लैग कर रहे हैं, और कोई भी इतना बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में चीज़ नहीं हो रही है जिससे जो क्लाइमेट चेंज है उसे रोका जा सके। इसके साथ साथ मिस्टर रॉमर ने तो ये तक बोला कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने पुल ऑफ कर लिया है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से और भी बाकी सारी चीज़ों से, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की जो पॉलिसीज है वो ही पिछड़ गई हैं। They have driven back the America's policy. तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने साफ साफ बोला और इन्होंने ये बोला है कि अगर जो भी इन्होंने थ्योरीज दी हैं या जो भी और बाकी लोगों ने थ्योरीज दी हैं, जो भी यहाँ पे स्टेप्स हम लोगों के सामने हैं, अगर हम उन्हें अचीव करने की कोशिश करेंगे तो ये कॉन्फिडेंट है कि हम लोग जो ग्रीन गैस एमिशंस हैं उनको रोक सकते हैं और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अभी भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। तो बेसिकली जो चीज़ है वो यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और दोनों ने ही विलियम डी नोडांस ने और पॉल एम रोमर ने यहाँ पे ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड थ्योरी दी। विलियम डी नोडांस ने उसे ग्रीन टैक्स या कार्बन टैक्स के साथ लिंक किया और पॉल एम रोमर ने उसे नई इनोवेशन टेक्नोलॉजीज के साथ लिंक किया, नए आइडियाज़ के साथ लिंक किया, और उन्होंने बात करी आइडियाज ड्रिवन ग्रोथ की। तो ये इन दोनों को मिला है नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स। इसके साथ ही हम लोग पहले ही नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स, नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन डिस्कशन में ले चुके हैं। एक चीज़ याद रखना, इस वाली जो नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर होता है वो नहीं दिया गया है, उसको अगले साल 2019 में साथ में ही दिया जाएगा बिकॉज ऑफ #MeToo वाला जो कैंपेन चल रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर है उसको अब की बार कैंसिल कर दिया गया है। पर अब की बार वाला जो नोबेल प्राइज़ है 2019 वाला जो नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर अनाउंस होगा उसी समय 18 वाला प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो इसी के साथ आपको न्यूज़ मिलती है सुप्रीम कोर्ट टैक्स त्रिपुरा NRC प्ली विद असम केस। देखो, असम के अंदर अभी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का अपडेट हुआ था जिसमें 40 लाख लोगों को छोड़ दिया था। अब वो जो 40 लाख लोग हैं उनके लिए विंडो खुली हुई है, अगर किसी के पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे त्रिपुरा पीपल फ्रंट और त्रिपुरा के कुछ NGO हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के पास। उस लिटिगेशन में ये था कि वो भी चाहते थे कि त्रिपुरा के अंदर NRC का अपडेट हो, त्रिपुरा के अंदर भी सिमिलर मैनर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया जाए। अब उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को एक्सेप्ट किया और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू कर दिया। उस नोटिस में यह था कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है त्रिपुरा का, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द अपडेट करे जिसे डिटेक्ट किया जा सके, डिपोर्ट किया जा सके इलीगल इमिग्रेंट्स को जो कि बांग्लादेश से यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर रह रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पर्टिकुलर केस है उसको एक स्पेशल बेंच हियर करेगी। ये वही बेंच है जो कि पहले असम NRC केस को हियर कर रही थी, जिसको यहाँ पे हेड करेंगे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। इसके साथ साथ यहाँ पे बड़ा सवाल ये कि त्रिपुरा के लोग क्यों चाहते हैं कि उनके भी स्टेट में यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का अपडेटेशन हो। देखो, जब भी कोई बाहर का कोई इलीगल इमिग्रेंट आके उस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं तो उनकी जॉब्स के ऊपर खतरा हो जाता है, जो उनके इंडिजीनियस कल्चरल आइडेंटिटी है उनके ऊपर खतरा हो जाता है, और भी बहुत सारे उनके कल्चरल फैक्टर होते हैं उनके ऊपर खतरा हो जाता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर खतरा हो जाता है, लाइवलीहुड के ऊपर खतरा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे त्रिपुरा फैक्ट फाइल आ रही है, पहले उसको डिस्कशन में लेंगे। तो त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट था 15th of October से पहले, और उसको फुल्ली मर्ज कर दिया गया था इंडिया के अंदर ऑन October 15, 1949। साथ ही फुल स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो त्रिपुरा को मिला था January 21, 1972 के अंदर। अब यहाँ पे देखोगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आज के लिए जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जब 2002 के अंदर एक सर्वे कराया था तो नंबर ऑफ इलीगल बांग्लादेशी जो कि हमारे देश में रह रहे थे वो 1.2 करोड़ के आसपास थे, और त्रिपुरा के अंदर यहाँ पे 325,400 इलीगल इमिग्रेंट्स थे 2002 के अंदर। ओके, अब तो 2018 है तो अब इनकी संख्या अप्रॉक्सीमेटली डबल से भी ज़्यादा हो गई होगी। तो इतने इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर रह रहे हैं, और इसी वजह से जो त्रिपुरा के लोग चाहते हैं कि उनके देश, उनकी स्टेट में भी यहाँ पे NRC का अपडेटेशन हो। वो चाहते हैं कि जब NRC का अपडेटेशन हो यहाँ पे ध्यान में रखा जाए रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 ऑफ द सिटीजनशिप,
रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल ऑफ 2003। यहाँ पे बात करूंगा आपके साथ रूल 3 एंड रूल 4 ऑफ द सिटीजनशिप रूल 2003 के बारे में। बेसिकली रूल 3 के अंदर आप देखोगे लिखे हुए हैं कि जो भी एनआरसी के अंदर लोग रजिस्टर होंगे उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, उनका नेम होना चाहिए, फादर्स नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो क्या क्या कंटेन होगा यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का, वो रूल नंबर 3 में है। अगर बात करता हूँ रूल नंबर 4 की, रूल नंबर 4 डेफिनेशन देता है उन लोगों की जिनका रजिस्ट्रेशन होगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के अंदर। यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो पिटीशन है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये बताई गई हैं कि यहाँ पे जो इन्फ्लक्स हो रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स का त्रिपुरा के अंदर, और यहाँ पे उस चीज़ों से जो एक्सटर्नल एग्रेशन है जो पैदा हो रहा है, वहाँ पे आर्टिकल 355 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कि कहता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास एक ड्यूटी है, उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी स्टेट्स को बचाएंगे कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन अगर होता है या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, तो वो ड्यूटी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से जो एक्सटर्नल एग्रेशन उनकी स्टेट में पैदा हो रहा है उस चीज़ को रोकने का, और इस वजह से जो एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है उसका अपडेटेशन यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर हो। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो डेमोग्राफी है त्रिपुरा की वो भी बदल गई है इलीगल इमिग्रेंट्स के बाद, इसके साथ साथ उनके स्टेट के अंदर जो पॉवर्टी कंडीशन है वो बढ़ गई है क्योंकि लोगों की एम्प्लॉयमेंट छिन गई है, साथ साथ उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसके ऊपर भी खतरा आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है जब कोई इलीगल इमिग्रेंट आके किसी स्टेट के अंदर रहने लगते हैं, लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी खतरे में आ जाती है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खतरे में आ जाती है, और यहाँ पे एनआरसी का जो रोल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बहुत सारे सवाल ये भी उठ रहे थे कि असम के अंदर एनआरसी करना जरूरी था या नहीं था। इन सब चीज़ों को अगर आप मिला के देखोगे तो एनआरसी करना कोई खराब बात नहीं थी असम के अंदर जो हमने किया, और उसका जो रिजल्ट है वो भी हमें पॉजिटिव रूप में दिखाई देगा अगर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो वापस से अपने देश में चले जाएंगे तो उसका एक पॉजिटिव फैक्टर हम लोग देख सकते हैं। तो इसी के नीचे आपको न्यूज मिलती है ब्रह्मोस इंजीनियर हेल्ड फॉर आईएसआई लिंक। यहाँ हुआ क्या है, ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड सेंटर जो कि नागपुर के अंदर लोकेटेड है उसके एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उसने गिरफ्तारी करी है क्योंकि उस इंजीनियर के पास यहाँ पे कुछ हाईली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट पाए गए, साथ ही वो ऐसे डॉक्यूमेंट थे बहुत सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट थे जिनको रखना ही अपने आप में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर एक क्राइम है। और यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन थी कि उस इंजीनियर का कनेक्शन यहाँ पे पाकिस्तान की आईएसआई के साथ था और वो यहाँ पे हमारी कुछ टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे पाकिस्तान को ट्रांसफर भी कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों के बीच में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। याद रखना उनकी गिरफ्तारी इसलिए भी सही है क्योंकि उनके पास जो डॉक्यूमेंट थे सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट थे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट थे वो अपने आप में किसी के पास होना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर एक क्राइम है। इस न्यूज़ को डिस्कशन में इसलिए लिया क्योंकि अभी पिछले ही महीने हम लोगों ने आपके साथ नंबी नारायण का केस लिया था जो कि इसरो साइंटिस्ट थे जिनको अब बोल दिया है कि जो केरला गवर्नमेंट है वो 50 लाख रुपीज़ का कंपेंसेशन देगी। तो जो हमारे देश के जो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जैसे हमारी इसरो है DRDO है या यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का, जहाँ पे हमारे देश की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बनाई जाती हैं, वहाँ पर भी जो बाहर की एजेंसीज हैं जो बाहर की सीक्रेटिव एजेंसीज होती हैं जैसे यहाँ पे ISI है तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कितना होता है और उनके जो कंट्रोल करना उनको यहाँ पे बचाना हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये जो पर्टिकुलर हमारे जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना, साथ ही उन वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके ऊपर सर्वेलियंस रखना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भारत सरकार के लिए। तो इसी के नीचे आपको एक आर्टिकल मिलता है जो कि इस पूरे न्यूज़पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडिया फेसेस थ्रेट ऑफ डेडली हीट वेव सेज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट रिपोर्ट। तो कल मैंने अपनी वीडियो के सबसे एंड में एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कशन में लिया था जिसके अंदर मैंने आपके साथ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की एक स्पेशल रिपोर्ट को डिस्कशन में लिया था। बेसिकली दिस वाज अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री।
तो वो जो पर्टिकुलर रिपोर्ट थी उसमें मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि यहाँ तो मैं वो आर्टिकल डिस्कशन में ले ही रहा हूँ पर यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अधूरी हैं। तो अगर आपको पूरी चीज़ें समझनी है तो आपको मेरा कल वाली वीडियो का सबसे एंड वाला पोर्शन तो समझना ही पड़ेगा। यहाँ पे बात करते हैं आपको क्या क्या चीज़ें और एड ऑन करनी है, पर उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ IPCC के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। बेसिकली IPCC एक साइंटिफिक बॉडी है जो कि डायरेक्टली वर्क करती है अंडर द यूनाइटेड नेशंस के अंडर वर्क करती है। इसको 1988 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, 1988 के अंदर जो हमारी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारी यूनेप है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर IPCC को एस्टैब्लिश किया था। बेसिकली इसका काम है रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट को सबके सामने रखना, इसके अलावा कोई और काम IPCC का नहीं है। कौन कौन देश IPCC के मेंबर हो सकते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। तो IPCC के मेंबर वो सारे के सारे देश होंगे जो कि WMO के मेंबर होंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे, या वो यूनेप के मेंबर होंगे। तो यूनेप और WMO के सारे मेंबर यहाँ पे IPCC के भी मेंबर होते हैं। अब उस रिपोर्ट के अंदर कुछ इंडिया स्पेसिफिक बातें की गई हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया के अंदर जिस तरीके से 2015 के अंदर एक हीट वेव आई थी, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया के अंदर भी 2015 के अंदर बहुत ही खतरनाक हीट वेव देखी गई जिसकी वजह से 2000 लोगों की मौत हो गई थी हमारे देश के अंदर। वैसी ही हीट वेव्स हर साल अब देखी जा रही हैं और 2050 के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ जो हीट वेव का इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और जो हीट वेव्स हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे देश में मरने लगेंगे ड्यू टू दी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ अगर 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग अचीव कर लेते हैं प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, जो हमने डिसाइड किया है वो टाइम जो मैंने आपके साथ कल भी डिस्कशन में लिया था, जो सेकंड रिवॉल्यूशन वाला जो टाइम है वो जो हमने लिया था उससे जो पहले वाला टाइम है, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे भी हम लोगों ने ग्लोबली तो 1 डिग्री सेल्सियस का जो राइज है वो अभी भी अचीव कर ही लिया है, ओके, वो तो अभी हम लोग अचीव कर चुके हैं, पर अब हमें गोल करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से वो नीचे ही रहे। यहाँ पे थोड़ा सा बात करता हूँ 2015 पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की, उसके अंदर मेजर बातें क्या की गई। सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि सारे के सारे देश मिलके कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो ना बढ़ पाए और हमारी उससे भी ज़्यादा जो एक फोकस है वो रहेगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल टेम्परेचर ना बढ़े। उसके लिए सारे देशों ने अपने अपने स्टेप भी बनाए, क्योंकि यहाँ पे जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन थे, जो आइलैंड देश थे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है, उन्होंने यहाँ पे एक प्ली रखी थी कि 2 डिग्री सेल्सियस में तो हमारा पूरे देश का ही नुकसान हो जाएगा, कुछ आइलैंड देश तो खत्म ही हो जाएंगे, तो आप लोग कोशिश करो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे यहाँ पे जो अचीवेबल टारगेट है उसे रखा जाए। यहाँ पे इस रिपोर्ट का यही कहना है कि हमें जल्द से जल्द ये जो जितने भी टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करना है। साथ ही जिस तरीके से हम लोग धीरे धीरे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हमें उसे कंट्रोल करना है तो जो ट्रांजिशन है लैंड के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर के अंदर और सिटीज़ के अंदर, उन सब के जो डेवलपमेंट है उसको हमें सस्टेनेबल मैनर में करना पड़ेगा, जिससे जो ग्लोबल राइज है 1.5 डिग्री सेल्सियस से पहले हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को रोक सकें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल नेट ह्यूमन कॉज्ड एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का जो ग्लोबल नेट ह्यूमन कॉज्ड एमिशन है उसको 45% से घटाना पड़ेगा बाय 2030, फ्रॉम 2010 वाले लेवल से 45% घटाना पड़ेगा बाय 2030, तब हम लोग अचीव कर पाएंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस। साथ ही जो नेट ज़ीरो हमें अचीव करना पड़ेगा बाय 2050 अगर हमें CO2 को रिमूव करना है हमारे एनवायरनमेंट से। हम लोग यहाँ पे CO2 के ऊपर ही ज़्यादा गौर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारी और भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस हैं, पर CO2 के ऊपर ध्यान इसलिए दिया कि CO2 का जो हवा में रहने का जो लाइफ स्पैन है वो 100 टू 150 ईयर्स के आसपास होता है। तो मान लो कि अगर आज कोई CO2 रिलीज हुई है तो वो 100-150 साल तक एनवायरमेंट में रहेगी,
ओके तो इसीलिए CO2 के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि CO2 को कैप्चर करके हम लोग उसे ज़मीन के अंदर स्टोर कर दें, हम लोग उसे ओशियन के अंदर स्टोर कर दें, और भी हम लोग यहाँ पे पेड़ पौधे लगा के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंज्यूम करने की कोशिश करें। इस वजह से हम लोग ज़्यादा CO2 के ऊपर गौर दे रहे हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर भी, और वैसे हमारे स्टेप्स के अंदर भी। साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि CO2 को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिस तरीके से बाकी सारे एनवायरनमेंट में हमें जो कंडीशन है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, तो जो कार्बन कैप्चर वाली जो टेक्नोलॉजी है, जो स्टोरेज वाली टेक्नोलॉजी है, उनको हमें सस्टेनेबल मैनर में डेवलप करना है और भी बेहतर बनाना है। ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के स्टोर करने की यहाँ पर बात हो रही है। इसके साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कोस्टल देश हैं और उनके अंदर जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ हैं, जैसे इंडिया एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो क्रॉप यील्ड है वो भी कम हो गई है। इससे रिलेटेड मैंने कल एक आर्टिकल दिया था कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो ड्रॉट वाली जो कंडीशन है उसकी वजह से सॉइल मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। ओके वो भी एक क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है। इस वजह से हम लोग जो अपनी जो क्रॉप हैं जिसमें जो टाइम होता है हार्वेस्टिंग का वो कम होता है, उनका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उन सब चीज़ों को यहाँ से रिलेट करो तो ये बोला जा रहा है कि जो पॉवर्टी है उसमें भी जो लोग हैं वो बाई 2050 बढ़ जाएंगे अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन बढ़ती चली गई। कल वाली रिपोर्ट में मैंने आपके साथ और भी चीज़ें डिस्कशन में ली थी कि अगर हम लोगों ने अचीव नहीं किया 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा मौत होने लगेंगी ड्यू टू दी पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, मलेरिया ज़्यादा फैल जाएगा, डेंगू ज़्यादा फैल जाएगा, और भी जो डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादा फैल जाएंगी। और यहाँ पे अगर हम लोग अचीव कर दें तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी और जॉब ग्रोथ पे भी होगा। तो प्लीज़ कल वाली वीडियो का लास्ट वाला सेक्शन भी विजिट करना इसके साथ साथ, जिससे IPCC की रिपोर्ट पूरी तरीके से आप तक पहुंच जाए। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर इंडिया 1 डिग्री सेल्सियस से भी ग्लोबली वार्मिंग के साथ होता है, इंडिया की सिचुएशन उस समय भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आएगी। एक और बड़ी बात यहाँ पे की गई है कि इंडिया ने अभी तक कोई भी बहुत बड़ा साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं किया है, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली फील्ड में इंडिया ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है जिस वजह से क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके, और ना ही इंडिया ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया है अपने ही देश में एग्रीकल्चर के अंदर, मानसून के अंदर, अर्बन ड्वेलिंग के अंदर। तो वो सब चीज़ें हमें डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अपने ही देश में वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का इनपुट नहीं दे पा रहा है, ऐसा कहना है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का। ओके तो इस रिपोर्ट में जो द हिंदू की चीज़ें आई थी वो मैंने आपके साथ आज डिस्कशन में ले ली, और कल मैंने आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन वाला पेज भी डिस्कशन में ले लिया था, जहाँ पे इस पूरी रिपोर्ट का सार मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, ऊपर आई वाला बटन आ रहा होगा, वहाँ पे अगर आप लोग प्रेस करोगे तो मेरी कल वाले आर्टिकल पे भी पहुँच जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ आर नेशन से रिलेट करता है, यहाँ आपको न्यूज़ मिलती है पंजाब टू चेक लेंडिंग ऑफ मनी टू फार्मर्स। तो यहाँ पे जिस तरीके से जो फार्मर्स हैं उनके सुसाइड के केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो फार्मर्स हैं वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, उनको इस डेट ट्रैप से बाहर निकालने के लिए, उन कंडीशन से बाहर निकालने के लिए पंजाब गवर्नमेंट एक नया स्टेप लेकर आई है। सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली दी पंजाब सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनडेटनेस एक्ट ऑफ 2018 को इनैक्ट किया था, जो कि उनका 2016 वाले जो एक्ट था उसका एक रिवाइज्ड वर्जन है। उसी एक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है एक डिविजनल एग्रीकल्चर डेट सेटलमेंट फॉरम। अब बेसिकली यहाँ पे ये जो फॉरम है ये डिसाइड करेगी कि पर एकड़ कितना लोन मिलना चाहिए किसी फार्मर को, किस इंटरेस्ट रेट पे मिलना चाहिए उसे भी फिक्स कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा। कोई भी बैंक वगैरह कोई भी उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं देगा उन्हें। इसके साथ साथ अगर वो अपना लोन नहीं चुका पाते हैं तो सेटलमेंट करने के लिए वो इस फॉर्म के पास जा सकते हैं, और जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो सही समय से सेटल भी हो जाएंगी। तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जिससे हमारी जो फार्मर की लाइफ है वो भी सेफ हो जाएगी और वो एक डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। ओके तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, बाकी सारी स्टेट्स भी इस तरीके के जो स्टेप्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। सदर्न पोर्शन ऑफ आवर नेशन से पेज रिलेट करता है, यहां पे आपको न्यूज मिलती है पोल कंटेस्टेंट शुड डिक्लेयर हेल्थ स्टेटस सेज हाई कोर्ट। तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट का मानना है जिस तरीके से पोल के अंदर जो लोग कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन के अंदर जो कंटेस्ट करते हैं वो अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स रिलीज करते हैं, अपने एसेट्स को सबके सामने रखते हैं, उसी तरीके से उनको अपनी हेल्थ कंडीशन भी अपने वोटर्स को बता देनी चाहिए। यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक एग्जांपल भी दिया, एग्जांपल था जब
तमिलनाडु की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता जी ने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का पद एज्यूम किया था, उसके 7 महीने में ही उनकी डेथ हो गई थी उनकी खराब हेल्थ की वजह से। उस वजह से पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बिगड़ गया और वो अपना 5 साल पूरे नहीं कर पाई। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे लोग कंटेस्टेंट होंगे उनको अपनी हेल्थ कंडीशन को भी लोगों को बता देना चाहिए, जिससे लोग सोच समझ के यहाँ पे वोट कर सकें। इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, स्टडी थ्रोज लाइट ऑन मेगालिथिक साइट्स। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है 500 BC की एक साइट की, जो कि है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक साइट है जो कि एक मेगालिथिक साइट है, उसकी एज 500 BC के आसपास बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जो मेगालिथिक कल्चर है ये रायल सीमा वाले एरिया के आसपास है, और इस एरिए को डिस्कवर कर लिया गया था 20 साल पहले ही, पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कोई भी स्टेप नहीं उठाए। इस जगह के आसपास एक स्प्रिंग भी देखा गया है जहां से पानी निकलता है, और वहां ये माना जा रहा है कि उस पानी की मदद से ही वो अपने एरिए को हार्वेस्ट करते थे। लोग उस पानी का इस्तेमाल ड्रिंकिंग के लिए, इरीगेशन फैसिलिटीज़ के लिए और बाकी सारी चीज़ों में भी किया करते होंगे। यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स आए हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे रिसर्चेस की हैं, और यहाँ पे शायद अब सरकार उसके प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देगी। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बरियल साइट देखी गई है। जो यहाँ पे बरियल साइट है उसको तीनों तरफ से यहाँ पे 3 रिंग्स से कवर किया गया है। तो 3 बड़ी बड़ी रिंग्स हैं, जो शुरू की जो 2 रिंग्स हैं वो फ्लैट टॉप्ड रॉक्स की हैं, और जो बीच वाली रिंग है उसके अंदर एक एंथ्रोपोजेनिक स्टैचू भी मिली है। एक स्टैचू मिली है जिसका जो चेहरा है वो पूरा गोल है, उसके ऊपर कोई भी फीचर्स नहीं है, ना आँख है ना नाक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फीचर है, और वो भी देखा गया है। तो उनके ऊपर भी अब रिसर्च चल रही है कि क्या ये एक नई साइट हो सकती है या कोई नया कल्चर हो सकता है रायल सीमा के आसपास। और बताया जा रहा है कि ये जो कल्चर है ये बिल्कुल उन मेगालिथिक साइट्स की तरह है जो मिली थी चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 14 की तरफ, बिजनेस वाला पेज है। यहाँ आपको न्यूज़ मिलती है, ऑयल प्राइस कट क्रेडिट नेगेटिव फॉर OMCs। तो यहाँ पे हुआ क्या है, अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम कर दिया। अपनी तरफ से जो एक्साइज ड्यूटी है उसे 1.5 रुपीज़ से कम किया गया, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बोला गया कि आप भी 1 रुपीज़ से अपनी जो रिटेल प्राइसेस हैं उनको कम कर दो। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मूडीज़ ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की ये चीज़ बोली है कि उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको हम लोग कम करेंगे, वो नेगेटिव हो सकती है उनके क्रेडिट रेटिंग। क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो अपने पैसे कम करेंगी तो उनका नुकसान होता हुआ नज़र आएगा। तो ये बोला गया है इस आर्टिकल के अंदर, और ये यहाँ पे अभी क्रिजिल ने भी यही चीज़ बोली थी कि यहाँ पे जो प्राइस कट किया गया है 3rd quarter के अंदर 3,500 करोड़ रुपीज़ का नुकसान होता हुआ नज़र आएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को। तो इसी के साथ आपको एक और न्यूज़ मिलती है, इंडिया टू बी द 11th वेल्दीएस्ट सेज BCG। तो जो बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप है उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है, उसने बोला है कि इंडिया की जो पर्सनल फिनेंशियल वेल्थ है वो आज की डेट में $3 trillion की है। अब 2022 तक हमारी हो जाएगी $5 trillion की पर्सनल फिनेंशियल वेल्थ, और उसके बाद हम लोग 11th वेल्दीएस्ट नेशन बन जाएंगे पूरी के पूरी दुनिया में। साथ ही यहाँ पे बोला गया कि इंडिया करेंटली रैंक करती है 5th largest एशियन मार्केट। अगर हम लोग देखें कि हमारे देश में कितने एफ्लुएंट लोग रहते हैं, वो लोग रहते हैं जो कि हाई नेट इनकम कमाते हैं, अल्ट्रा हाई हेल्थ इनकम कमाते हैं, तो हमारे देश में उन जो इंडिविजुअल की जो संख्या है वो 4.13 लाख है। ओके, हमारे देश के अंदर 2017 की रिपोर्ट है, तो आप देखो 4 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और उस वजह से हमारे देश में एशियन मार्केट की अगर हम लोग देखें तो हमारी 5th rank आती है जिस देश में सबसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। बस आज के न्यूज़पेपर में इतनी ही खबरें थी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन बगैर दबाए बिल्कुल मत जाना, और कोई भी आपके मन में कमेंट, डाउट और क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, या फेसबुक और टेलीग्राम पे जाकर भी मैसेज कर सकते हो। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज, एंड हैव अ गुड डे अहेड।